नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार के थाना नौतन परिसर में रामनवमी के मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के मौजूदगी में क्षेत्र के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियों के साथ किया गया शांति समिति की बैठक। बैठक के दौरान थाना प्रभारी राजेश कुमार के द्वारा कई सारे पहलुओं पर की गई चर्चा। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आगामी रामनवमी के मद्देनजर रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों के साथ बैठक की गई है। इसमें बताया गया है कि आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी के पर्व मनाएं। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर होगी, हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई। आगे थाना प्रभारी ने बताया कि हर मेले में थाना की गश्ती रहेगी, किसी प्रकार के असामाजिक लोग शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उसे थाने में तुरंत गुप्त सूचना दें, सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर मुखिया जनप्रतिनिधि काशी लाल, मुखिया राजेश पांडे, सरपंच दीपक तिवारी, शेख इजहार, कमलेश श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।